जैसे हमने एक्सेल के अंदर में एक्सेल की इफ फॉर्मूलेज और एंड और की फॉर्मूलेज हमने यूज की हैं, उसी तरीके से वीवीए के भी अपने इफ कंडीशंस इफ फॉर्मूले होते हैं, जिसको हम इफ एल्स कंडीशन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल सी बात करते हैं कि मैंने यहाँ पे सेल्स रखा और इसका इंसेंटिव हमें यहाँ पे शो करना है 50 इंसेंटिव। जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए, इंसेंटिव की स्लैब सिंपल है कि मुझे 0 से 40 तक ₹500 देने, 41 से 80 तक 100 देने, 81 से 100 तक 1500 देने और ग्रेटर देन 100 में 2000 देने। और इसमें एक और है कि जिसका एडिशनल इंसेंटिव है कि 85 to 95 का सेल है, उसमें ₹800 का एडिशनल, मतलब इसको तो यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा 1500, बट 800 और ऐड हो जाएंगे। तो इसके लिए चलिए हम इफ कंडीशन के जरिए मैक्रो बनाते हैं, विजुअल बेसिक, और एक नई मॉड्यूल्स लेते हैं, हम उसी में टाइप कर सकते हैं लेकिन एक और नया ले लेते हैं मॉड्यूल्स, सब्जेक्ट इफ एंड सी। सबसे पहले हम इसको इनपुट कराएंगे, तो यहां पे एक वेरिएबल लेते हैं कि डिम आर एज ए लॉन्ग, फिर कहते हैं, फिर कंडीशन देंगे यहां पे एक और यहां पे जिस पे रिजल्ट अप्लाई करना है, तो डिम आर वन एज ए लॉन्ग, दोनों लॉन्ग के दोनों नंबर के कारोबार करना है तो दोनों ही हम लॉन्ग लेते हैं, दो वेरिएबल ले लिए हमने यहां पे। फिर हम बोलते हैं कि आर इक्वल टू रेंज, कौन सा रेंज है, A2 डॉट वैल्यू। मैंने बोला कि जो A2 पे जो नंबर टाइप है वो R पे स्टोर हो जाए, मतलब कि अब हम जहां पे A2 की जरूरत पड़ेगी वहां को हम R यूज कर सकते हैं। फिर करेंगे कि इफ R इज लेस देन इक्वल टू 40 देन, ऐसे लिखना होता है पहले इफ देन कंडीशंस, उसके बाद आपको देन का वर्ड लिखना पड़ेगा, एंटर मार करिए, फिर जो अप्लाई करना चाहते हैं टू कंडीशन। तो मैं बोला कि आर वन इक्वल टू 500, एक कंडीशन हो गया। अगर आपको यहीं पे कंडीशन खत्म हो गई है और कंडीशन नहीं करनी है तो आप यहीं पे एंड इफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कंडीशन करनी है तो मैं एंड इफ नहीं करूंगा। अगर मान लो कि सेकेंड कंडीशन चाहिए तो एल्स लिख देते हैं, और एल्स में जो सेकेंड कंडीशन चाहिए वो लिख के फिर एंड इफ कर दो सेकेंड रिजल्ट, लेकिन मुझे सेकेंड कंडीशन अप्लाई करनी है तो यहां पे एल्स के साथ मैं इफ भी लगाऊंगा, इफ आर इज लेस देन इक्वल टू 41 सॉरी 81 दे दीजिए, देन आर वन की वैल्यू हो जाए 1000। फिर सेकेंड एलसी स्पेस नहीं देना है, नॉर्मली लिखना है आपको, आर इज लेस देन इक्वल टू 100, फिर देन का वर्ड, फिर यहां पे दीजिए एंड इफ, और रिजल्ट हमारा हो गया आर वन इक्वल टू 1500। और सेकेंड कंडीशन तो क्या होगा, वही होगा, तो यहां पे देंगे एलसी, या फिर सेकेंड कंडीशन सिंपल है कि वो 100 ही आएगा तो एल्स द्वारा इफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप यहां पे दे दीजिए आर वन इक्वल टू 2000, इफ खत्म हो गया, देन यहां पे एंड इफ कीजिए, तो ये कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा है एडिशनल इंसेंटिव को ऐड करना, तो उसके लिए एक और इफ लगाएंगे कि इफ आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 85 और एंड, अब ये एंड किस तरह से लगा सकते हो आप, आर इज लेस देन इक्वल टू 95 देन आर वन इक्वल टू
R1 के रिजल्ट के साथ 800 प्लस कर देगा, और फिर यहाँ पे एंड इफ, क्योंकि सेकेंड कंडीशन हमारे पास है ही नहीं। अगर हम यहाँ पे R1 इक्वल टू 800 लिख देता तो क्या होता कि जो यहाँ मान लो कि 2000 साइन है तो यहाँ पे उसको 2000 को 800 से रिप्लेस कर देता, बट यहाँ पे ऐड करना था तो यहाँ पे ऐड करने के इसका यूज किया। दूसरा, अगर आपके पास एन का जगह और यूज करना है, मतलब कि दोनों में से कोई एक हो, तो उस केस में एन की जगह और यूज कर लो। अगर आपको तीन और कंडीशंस है तो यहाँ पे एक और एन यूज करो, फिर कंडीशन एन यूज करो कंडीशन, ऐसे 255 कंडीशंस आप दे सकते हो। अब मैं इस मैक्रो को, अभी तो हमने कैलकुलेशन कर लिया, बट इस मैक्रो में मैंने रिजल्ट इनपुट किया है बट आउटपुट नहीं किया, तो आउटपुट कहाँ करना है, V2 पे। तो मैं यहाँ पे करूँगा रेंज V2 डॉट वैल्यू इक्वल टू R1, जो R1 की फाइनल रिजल्ट है वही हमारा रिजल्ट है। अब मैं इस मैक्रो को असाइन करता हूँ, रन, हमने गलत मैक्रो असाइन कर लिए। इफसी 2300 आ गया। इस तरीके से इफ की कंडीशंस अपने एक्सेल में हम लगा सकते हैं, और ऐसे नेस्टेड इफ हो तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ ऐसे डालते चले जाओ, बस लास्ट में एंड इफ का ध्यान रखना होता है कि आपको एंड इफ करना ही है।